मैं हूँ सत्यजीत। आज मैं आपको दिखाऊंगा YSM999DX यूरी का जो मीटर आता है कि सैटेलाइट फाइंडर, तो उसको हम कैसे, उसका जो LNB का पोर्ट है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। ये क्या होता है, बार बार मतलब टेस्टिंग करने से ये वाला पोर्ट हिल जाता है, तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें जैसे कि ये ज़्यादा दिन चले तो उसका पोर्ट का कोई भी ख़राबी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको ये जो पिन, ये जो पोर्ट है, ये जो LNB का पोर्ट है ये वाला, उसमें एक नट लगा देना चाहिए। लगाने से क्या होगा, वो वाला पोर्ट हिलेगा नहीं, तो ज़्यादा हिलने से वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। उसके लिए हमको चाहिए एक ये वाला जो ग्राइंडर में लगता है सर्किट ब्रेकर, उसमें एक नट लगा कर आता है ये वाला नट, उसको मैंने पहले से निकल के रखा हूँ। ये वाला नट को उसमें लगाएंगे, उसको क्या करें पहले कवर खोलेंगे, उसके बाद मीटर को निकालने के बाद उसको हम लगाएंगे। आइए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद ओपन करके मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने ओपन कर दिया हूँ, उसमें ये मीटर सैटेलाइट डिटेक्टर, उसमें ये जो पोर्ट है इसमें हम लगाएंगे ये वाला पोर्ट में, ये जो नट है इसको हम लगाएंगे। इसमें से कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही टाइट कर देना है ऐसे। बस इससे इसको थोड़ा सा और टाइट कर देना है, बस हो गया। ऐसे ही करने से हमारा मीटर प्रोटेक्ट हो जाएगा। और दूसरे वाला है तो दूसरे वाले में लगा दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर यही पोर्ट इस्तेमाल होता है। तो यही मेरा वीडियो था, तो इसको बार बार यही प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ जब भी नया मीटर खरीदो तो ये वाला मीटर खरीदने के बाद इसमें एक नट लगा दो, तो आपका मीटर काफ़ी दिन तक चलेगा। थैंक यू।